ये देखिए होली पे सबको पसंद आने वाली खास्ता गुजिया। होली में सबके घरों में गुजिया जरूर बनता है। आप गुजिया बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल खास्ता खोआ गुजिया की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर मेरे रेसिपी अच्छे लगते हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो के लाइक शेयर और आपके अपने चैनल मीना के रसोई के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सुपर टेस्टी होली स्पेशल खास्ता गुजिया बनाने के लिए एक कटोरी मैदा ले लिए है। माप मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी एक कप या कटोरी ले लेंगे। हम इस कप के माप से 2 कप मैदा ले लिए है। मैदा मिलाने के लिए बर्तन ले लिए है। बर्तन में मैदा डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे, 3 स्पून का 1/4 नमक है, साथ में देसी घी है। 2 कप मैदा में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब दोनों हाथों से मैदा घी को मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से मैदा घी को मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा खास्ता गुजिया बनेगी। मैदा घी को मसल मसल कर खास्ता बना लिए हैं। देखिए लड्डू बन रही है। ये मैदा परफेक्ट खास्ता बन गई है। होली है तो कलर तो बनता है। गुजिया में कलर देने के लिए मिक्स किए हुए मैदा कलर में मिलाएंगे। इसमें थोड़ी सी दूध डालकर मैदा कलर को मिला लेंगे। अब मैदा में दूध डालकर मिलाएंगे। 2 कप मैदा के लिए 1 कप गुनगुना दूध ले लिए है। थोड़ी थोड़ी मैदा में दूध डालेंगे, मिलाएंगे। सारे दूध एक बार में नहीं डालेंगे। अगर एक बार में सारा दूध डालेंगे तो मैदा गीली हो जाएगी। इसी तरह से दूध डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी मैदा को मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मैदा को मिला लिए हैं। गुजिया का मैदा हल्का टाइट ही मिलाना है। देखिए इस तरीके से मिलाना है। मैदा मिलाने के बाद 1 कप दूध में से थोड़ी सी दूध बच गई है। प्लेट से ढक देंगे, 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे मैदा को सेट होने के लिए। जब तक मैदा सेट हो रही है जब तक हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। 10 पीस बादाम है, 10 पीस काजू है। ड्राई फ्रूट फ्राई पैन में डालेंगे और 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। मीडियम आंच पर ड्राई फ्रूट को कलर डाउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट का कलर ब्राउन हो गई है। इसे निकाल लेंगे। जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप के माप से 1/2 कप बारीकी वाली सूजी ले लिए है। सूजी फ्राई पैन में डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। लो आंच पर सूजी को ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भूनेंगे। रेगुलर चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो सूजी जल जाएगी। सूजी को अच्छे से भूनेंगे तो सूजी का कच्चापन खत्म हो जाएगी। देखिए सूजी ब्राउन कलर हो गई है। सूजी को निकाल लेंगे। अब नारियल का बुरुदा भुनेंगे। जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप के माप से 1/2 कप नारियल का बुरुदा ले लिए है। बुरुदा पैन में डालेंगे। हम नारियल का बुरुदा लिए है। नारियल की बुरुदा की जगह पर आप साबुत नारियल को भी क्रश करके भून सकते हैं। बुरुदा को बिना घी तेल के हल्का कलर ब्राउन होने तक भूनेंगे। आंच को लो ही रहने देंगे, तेज नहीं करेंगे। बुरुदा को रेगुलर चलाते रहेंगे। देखिए बुरुदा ब्राउन कलर हो गई है। बुरुदा को सूजी वाले बर्तन में निकाल लेंगे। अब खोआ बनाएंगे। खोआ बनाने के लिए 2 टेबल स्पून दूध का मलाई ले लिए है। मलाई पैन में डालेंगे।
साथ में 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर मलाई में मिक्स करेंगे और भूनेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे और इसे भूनकर खोआ बनाएंगे। अगर आप खोआ नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से भी खोआ मंगवा सकते हैं। देखिए मलाई और मिल्क पाउडर का खोआ कितना अच्छा बना है। इस तरीके से आप घर पर आसानी से खोआ बना सकते हैं। खोआ को सूजी बुरुदा वाले बर्तन में निकाल लेंगे। सारे खोआ निकाल लिए हैं, गैस को बंद कर देंगे। अब फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट ओखली में डालेंगे। ड्राई फ्रूट को बारीकी से कूटेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी कूट लेते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट को बारीकी से कूट लिए हैं। हम इसे ओखली में कूटे हैं। आप इसे मिक्सर में भी बारीकी कर सकते हैं। उसके बाद फ्राई किए हुए सूजी, फ्राई किए हुए नारियल का बुरुदा और खोआ में कूटी हुई ड्राई फ्रूट डालेंगे। साथ में 20 कली मीठा किशमिश डालेंगे। टेस्ट बढ़ाने के लिए साथ में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे। जिस कप से मैदा लिए थे उसी कप के माप से 1 कप चीनी पाउडर ले लिए है। चीनी पाउडर डाल लेंगे। हम चीनी पाउडर लिए हैं। चीनी पाउडर की जगह पर आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं। हमारे घर में सभी लोग थोड़ा ज्यादा मीठा खाते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा चीनी लिए हैं। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लिए है। देखिए गुजिया का फिलिंग बनकर तैयार है। इसी तरह से गुजिया का फिलिंग बनाना है। 10 मिनट हो गई है। प्लेट हटाकर मैदा को देख लेंगे। देखिए मैदा अच्छे से सेट हो गई है। इसे हल्का हाथ से मिला लेंगे। मैदा में से छोटी छोटी लोई काट लेंगे। इसी तरह से सारे लोई काट लेंगे। लोई को हाथ पर रखेंगे। इस तरह से लोई को मसल कर गोल बनाएंगे। देखिए लोई गोल बना लिए है। सारे लोई इसी तरह गोल बना लेंगे। सारे लोई गोल गोल बना लिए हैं। एक साथ सभी लोई को गोल गोल बना लेते हैं तो बेलने में आसानी होती है। ये देखिए गुजिया में कलर देने के लिए दोनों फ्रूट कलर में मैदा अच्छे से मिला लिए हैं। एक पिंक कलर है, एक ग्रीन कलर है। कलर को हाथ पर रखेंगे। इस तरह से अच्छे से मसलेंगे। अच्छे से मसल लिए है। इसमें से छोटी छोटी बूंदी काटेंगे। इसे गोल बनाएंगे। देखिए गोल बना लिए हैं। इसी तरह दोनों कलर का सारे बूंदी बना लेंगे। कलर का सारे बूंदी बना लिए हैं। लोई में सूखा मैदा लगाएंगे। इसे उंगली से दबाएंगे। बेलन से बेलेंगे। इसे पलटेंगे, फिर बेलेंगे, घुमा घुमा कर बेलेंगे। गोल बेल लिए है। देखिए कितना पतला पूरी है। इसी तरह पतला पूरी बेलना है। ये बिना कलर वाला पूरी बेले है। अब दूसरा पूरी कलर वाला बेलेंगे। फिर दूसरा लोई ले लिए है। इसके ऊपर कलर का बूंदी लगाएंगे। देखिए इस तरह से कलर लगाना है। इसे उंगली से दबाएंगे। अब लोई में सूखा मैदा लगाएंगे।
इसे बेलन से बेलेंगे, इसे पलटेंगे फिर बेलेंगे, घुमा घुमा कर बेलेंगे। कलर वाला पूरी बेल लिए है, देखिए इस तरह से गुजिया के लिए पतला पूरी बेलना है। सारे पूरी इसी तरह से बेल लेंगे। गुजिया का सारे पूरी बेल लिए है। ये कलर का पूरी है, ये बिना कलर वाला पूरी है। गुजिया बनाने के लिए फार्मा ले लिए है। फार्मा के ऊपर पूरी डालेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से बराबर में रखेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून फिलिंग डालेंगे। गुजिया में ज्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे, नहीं तो गुजिया फटने लगेगी। पूरी के ऊपर चारों तरफ पानी लगाएंगे। पानी लगाने से गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और फटेगी नहीं। चारों तरफ से अच्छे से साइड साइड में पानी लगा लिए है। अब इसे फोल्ड करेंगे और फर्मा को हल्का जोर से दबाएंगे ताकि गुजिया आसानी से चिपक जाएगी। फर्मा से बाहर पूरी की निकली हुई पार्ट है, इसे काट कर निकाल देंगे। इस तरह से इसमें से गुजिया निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा गुजिया बना है। इसी तरह सारे गुजिया बना लेंगे। सारे गुजिया बना लिए हैं। ये फार्मा के बाहर वाली पूरी के पास थी ना, वही है। इसे भी दोबारा बेलकर गुजिया बना लेंगे। फाइनली सारे गुजिया बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गुजिया तलने के लिए रिफाइंड ऑयल ले लिए है। ऑयल को गर्म होने देंगे, ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए गैस को मीडियम कर देंगे। उसके बाद गुजिया को ऑयल में डालेंगे। जितना स्पेस रहेगा उस हिसाब से गुजिया पैन में डालेंगे। गुजिया को एक तरफ से पकने देंगे। जब गुजिया एक तरफ से हल्का पक जाए इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। एक एक करके सभी गुजिया को पलट लेंगे। अब गुजिया को दूसरी तरफ से पकने देंगे। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब गुजिया दूसरी तरफ से पक जाए इसे अलट पलट कर चारों तरफ से पका लेंगे। गुजिया बनाते समय हमारे वीडियो में बताया हुआ छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए गुजिया चारों तरफ से अच्छे से पक गई है, इसे निकाल लेंगे। अब बची हुई सारे गुजिया तल लेंगे। सारे गुजिया तल लिए हैं, गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों 2 कप मैदा में 18 पीस गुजिया बना है। देखिए कितना खास्ता मजेदार गुजिया बना है। हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों है ना मजेदार गुजिया। होली स्पेशल गुजिया का रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों के ख्याल रखिए। बाय बाय।